सयन ही रघुपति लखनु निवारे। शिव के इस धनुष को भंजिए, भंजिए माने चूर्ण चूर्ण कर दीजिए। वीरत्व तो क्या है, जिस कार्य को कोई बहुत बहुत मेहनत करके दब के करे, उसको चुटकी बजा में के कोई कर डाले, उसी का नाम वीरत्व है। दब के जरा पीछे से हाथ लगाइए, रो रो कर कोई काम करे वो वीरत्व नहीं है, करे नहीं भाई। वीरत्व तो क्या है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। इसलिए गुरुदेव ने कहा, ऐ मेटहुतात जनक परितापा, जनक जी के सोच का समापन करिए। क्यों? अरे आप जगदीश हैं, ये भगत हैं, भगवान के रहते भक्त को त्रास मिले, सोच मिले, तो भगवत्ता का क्या? नहीं, देखो भैया, ऐश्वर्य भगवान ने हमको दिया है, तो ऐश्वर्य माने ईश्वर की कृपा। प्रभु ने हमको ऐश्वर्य दिया है, तो अपने ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य को इस प्रकार समाहित करो, इस प्रकार व्यय करो कि जिसने दिया है वो भी मगन हो जाए, जो दिया था वो किया था। क्योंकि चलना किसी के साथ ढेला नहीं है, हमको मिला है, आपको मिला है, उनको मिला है, जिसको मिला है यही रहना है, जाना किसी का नहीं है। इसलिए ईश्वर के रहते भगत दुखी न हो, ईश्वर से ही ऐश्वर्य प्राप्त है। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, परमात्मा आगे बढ़े चले, नर नारी सब अपने पुण्य भगवान के साथ लगा दिए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अरे बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन ब्रिंग। जो साधक लोग थे उनके नेत्र गहगहा गए देखकर भगवान की दिव्य मूर्ति को। माँ सुनैना जी की सखी समझाती हैं, जब सुनैना जी को संशय हुआ ये छोटे बालक हैं, इनको शिव का पिनाक कैसे देना, कितनी अद्भुत बात नहीं लगती है। सखी ने समझाया, तेजवंत को छोटा नहीं मानते, सूर्य का छोटा गोला सारे ब्रह्मांड को प्रकाश प्रदान करता है, मदवत हाथी को अंकुश वश में कर लेता है, कामदेव धनुष लेकर के पुष्प के बाण के द्वारा सारी धरती को वशीभूत कर लिया था, धरि न काहु धीर सबके मन मन सिज हरे, देहरा के रघुवीर देव बरे देह काल मोह। धीरज रखिए, अगस्त ऋषि समुद्र सोख गए, मंद परम लघु जास बस विदु हरि हर सुर सर्व महामत्तर वज्राज कर बस करे कुछ कर।
छोटे से मंत्र में सारे देवता आवश्यकभूत हो जाते हैं। देवी धीरज रखिए, धीरज रखिए। सीता मैया गणपति भगवान से प्रार्थना करें, गण नायक वरदा देवा धनुष को स्पर्श करें, उसके पहले सारी गरुता जितने लोग बैठे सबके सिर पर डाल दीजिए। हे धरती माँ, आपकी पुत्री प्रभु के चरणों में जाना चाहती है, ऐसी कृपा करिए। धनुष का जो भी कठोर तत्व है ना, उसको अपने आंचल में समेट लीजिए। जानकीगा राजाओं से धनुष क्यों नहीं टूटा न उठा, कि धरती माँ ने धनुष को पकड़ रखा था। छोड़ेंगी कब? जब लक्ष्मण जी मंच पर चढ़ के दबाएंगे तब धरती मैया छोड़ेंगी। जैसे छोड़ेगी वैसे भगवान पकड़ के उठा लेंगे। ये पूरा क्रम है कथा का। माँ प्रेम मंत्र का जप करती है, जय के विशेष उत्सव करते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, यज्ञ करते हैं, भजन करते हैं, कथा करते हैं, तो देवताओं के लोक में, देवलोक में, देवता लोक, देव राजेंद्र बुलाकर हमारे पितरों का सम्मान करते हैं।
कि आपके कुल में आपकी कीर्ति, आपका तप, आपका भजन कितना है, कि आपकी संतान हमारे स्मरण में लगी है, आप धन्य हैं। बाजा गाजा बजाओ, सम्मान करो, देवता सम्मान करते हैं। उसी प्रकार का यहाँ सम्मान हो रहा है। सूर्य भगवान आए, धनुष जब टूटा है, क्या भैया पूरी धरती भरे भुवन घोर बोले तुलसी जयति वचन उचारही। बाबा ने जय हो जय हो जय हो, देवता कान बंद कर लिए। और मेरे सरकार प्रभु दो ऊंचा पखंड महिला, देख लोग सब भये सुसुता। सब गदगद हो गए। सतानंद जी ने कहा सखियों से, ले चलिए ले चलिए ले चलिए, माला पहरवाइए। सखिया माला पहराने की प्रार्थना करती हैं, झोंके जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोड़ी। सखिया लाला को मनाती सिया सुकुमार सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु जय मारे सुहाई। चतुर सखी, जिस सखी ने भगवान का दर्शन माँ को कराया था और प्रभु को माँ का दर्शन कराया था, उसने कहा पहिराओ पहिराओ। अब ये प्रेम स्थल है साहब। आजकल तो इसको बड़ा विकृत कर दिया है लोगों ने। चाठी लोफड़ इधर खड़े हो जाते हैं, चाठी पिटिया इधर खड़े हो जाती है। देखो उत्सव को मर्यादित रखा करो। हम तो जब रहते हैं तो कहते हैं सब नीचे उतरो, लड़का लड़की के अलावा कोई नहीं रहेगा। काहे सब लोग ताली बजाओ, पुष्प की वर्षा करो,
अरे अभी नहीं, उस समय जब हो तब। बड़े अच्छे श्रोता हैं आप, सुनते हैं तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। देखिए ना कितनी अच्छी बात है। सखियां माँ को चतुर सखी कहती है, पहिरा बहु जयमाल सुहाई, मेरी माँ सुनत जुगल कर माल उठाई। परंतु ये जो प्रेम है ना, क्यों प्रेम कब, जो सोचा जो चाहा वो उपस्थित हो गया। प्रेम का प्रवाह उमड़ रहा है, प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रेम में और क्रोध में गति बाधित हो जाती, आप रुक जाएंगे। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। लाला ऐसे खड़े हैं, लली माला ली हैं, इस छवि को देखकर गावे ही छवि अब लोक की सहेली। गोस्वामी जी ने इसके पहले भी एक बात कही है, सोहत जनु जुग जलज सनाला। जो सीता मैया के कर हैं वो गोरे हैं, जलज माने कमल, जल के आगे जब जल लगता जाता है तो उतने कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। मानो दो कमल दंड सहित किसको, चंद्रमा को माला अर्पण करने के लिए उठे हों। सोहत जन जुग जलज सनाला, कैसे ससी ही सभीत देत जय माला। चंद्रमा को कौन, कौशल चंद दशरथ नंद। नारायण कौशल चंद परमात्मा श्री राम के कंठ में अर्पण करने के लिए मान लो कमल की नाल स्वतः उत्फित होकर खड़ी होकर और चंद्रमा स्वरूप स्वरूप सरकार श्री रघुनाथ जी को अर्पण करने के लिए उद्यत है। ये उपमा रखी गोस्वामी जी ने। इस मधुर छवि का दर्शन करके सखियां गा वही छवि अवलो माँ प्रणाम करती हैं प्रभु को मन ही मन। सुनैना माँ के पास सखियां लेकर आई, अब मेरे सरकार गुरुदेव के पास पहुँचे, वंदन किए, श्रेष्ठ समाज का वंदन किए। तेही अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो भृकुल कमल पतंगा। गौर शरीर भूति भल राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भगवान के आवेश अवतार भगवान परशुराम का आगमन हुआ है, उनका आवेश परमात्मा में किया प्रवेश। दूत गया लेकर संदेश और बरात लेके, अयोध्या से आ गए अवधेश।